हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर S-400 पर अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से बेखौफ भारत का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, रूसी S-400 मिसाइल को लेकर अब भारत ने अमेरिका से बिना डरे ये बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे आखिर क्या कहा है भारत ने, क्या S-400 खरीदेगा या फिर अमेरिका की वजह से डील को रद्द करना होगा। दोस्तों बड़ी जानकारी आपको देंगे, क्या है पूरी खबर उससे आगे आपको बताएंगे। दोस्तों जहां पर पाई पाई से देश चला रहे इमरान खान को लगा है तगड़ा झटका। टीएलपी के हिंसक प्रदर्शनों के कारण अर्थव्यवस्था को इतने अरब रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों बड़ी जानकारी आपको देंगे, साथ ही बताएंगे जहां पर जिनपिंग को क्लाइमेट समिट में नहीं मिला वीडियो कॉल पर बोलने का मौका। जी हां दोस्तों, बड़ी ही घोर बेइज्जती जिनपिंग की गई है। दोस्तों लिखकर सौंपना पड़ा इसको बयान। बड़ी खबर बड़ी जानकारी दोस्तों बताने वाले हैं आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य ताकत बल क्षमता पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। और मोदी जी तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूसी S-400 मिसाइल पर अमेरिकी बंदों के डर से बेखौफ भारत का बड़ा ऐलान। कहा दोस्त रूस से लेते रहेंगे हथियार। जी हां दोस्तों, रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद मंडरा रहे अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बीच भारत ने ऐलान किया है कि वो मास्को से हथियार की खरीद जारी रखेगा। रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश ने वर्मा ने कहा कि भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने को लेकर आशान्वित है। भारतीय राजदूत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका की ओर से काटसा प्रतिबंध लगने का खतरा है। जी हां दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हो रहे हैं, लेकिन वो रूस के साथ दोस्ती को नहीं तोड़ेगा, साथ ही इसे और ज्यादा बढ़ाएगा। रूस की सरकारी संवाद एजेंसी तास के साथ बातचीत में वर्मा ने कहा कि अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और ज्यादा सहयोग बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, बड़ी बात बड़ी जानकारी, बिना डरे भारत ने दोस्तों रूस से S-400 अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी खरीदने का बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अपने दोस्त रूस से ये हथियार लेकर रहेंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि भारत ने दिखा दिया है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है। आप भी मानते हैं तो हम आत्मनिर्भर है कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पाई पाई से देश चला रहे इमरान खान को लगा है तगड़ा झटका। टीएलपी के हिंसक प्रदर्शनों के कारण अर्थव्यवस्था को 35 अरब रुपए का हुआ है नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक लब्बैक ने इमरान सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों इस संगठन ने सरकार के सामने ऐसी मांगे रख दी है जिन्हें सुनकर कोई भी सिर पकड़ ले। अपनी मांगों को मनवाने के लिए टीएलपी ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को 35 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये जानकारी लाहौर में मुख्यमंत्री के विशेष सहायक हसन रखवार ने दी है। दोस्तों पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, FATF की ग्रे लिस्ट में होने के कारण देश को कर्ज लेने में भी दिक्कतें आ रही है। दोस्तों ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन उसको और नेगेटिव में लेकर जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं इमरान खान है ही इसी लायक दोस्तों, तो आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां क्लाइमेट चेंज समिट में जिनपिंग को नहीं मिला वीडियो कॉल पर बोलने का मौका, लिखकर सौंपा गया बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चीन ने जानकारी दी है कि शी जिनपिंग को स्कॉटलैंड में COP26 जलवायु वार्ता के लिए एक वीडियो संबोधन का मौका नहीं दिया गया। इस कारण से चीन को एक लिखित प्रतिक्रिया भेजनी पड़ी है। बता दें कि जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से यूनाइटेड नेशन की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और अपने लिखित बयान में उन्होंने सभी देशों से अपने वादों को निभाने की अपील की है और आपसी भरोसे और सहयोग को मजबूत करने की बात कही है। मामले को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जहां तक मैं समझता हूं, सम्मेलन के आयोजकों ने वीडियो लिंक नहीं दिए हैं। जी हां दोस्तों, बात कर अगली बड़ी खबर की, जहां पर हाईटेक हथियारों से लैस होगी भारतीय सेना।
7,965 करोड़ के प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों को खरीदने के लिए 7,965 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की खरीद भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इस खरीद प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक आज जिन बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है उसमें 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, शॉर्ट रेंज हुन माउंट लिंक्स गन फायर कंट्रोल सिस्टम और डोनियर एयरक्राफ्ट का मिड लाइफ अपग्रेड शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अपने भारतीय सेनाओं को कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट भी जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए भारत आयोजित करेगा एनएसए स्तर की बैठक, लेकिन पाकिस्तानी एनएसए ने शामिल होने से कर दिया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एनएसए लेवल की एक बैठक आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के एनएसए ने इस बात की पुष्टि उज्बेकिस्तान के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के दौरान की। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी अखबार बिजनेस ने रिकॉर्ड की है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर खबर आ रही है। काबुल में सैन्य अस्पताल के पास भीषण धमाका जिसमें 19 की मौत हो गई है दोस्तों और 50 घायल हो गए। आपको बता दें, लगातार विस्फोट की खबरें दोस्तों अफगानिस्तान से आ रही है जब से तालिबानियों ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है। बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विस्फोट की खबर सामने आई है। शहर के पुलिस जिले 10 में मंगलवार को सैन्य अस्पताल के पास 2 बम धमाके हुए जिनमें 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 लोगों के घायल होने की खबर है। और पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल, जो उसकी 400 बेड वाला अस्पताल है दोस्तों, उसके सामने हुआ है, जबकि दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में ही हुआ। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने इस धमाके की जानकारी दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, इस पर बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर चीनी पनडुब्बियों से बड़ा दहशत मच गया है दोस्तों, जिसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया ने धड़ाधड़ खरीदा अमेरिकी शिकारी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक दादागिरी दिखा रहे चीनी ड्रैगन ने बहुत तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया है। चीन के पास इस समय सबसे बड़ी नौसेना है और वो इसमें कई घातक पनडुब्बियों को शामिल कर रहा है। दक्षिण चीन सागर पर प्रभुत्व कायम करने के बाद अब चीन की नजर हिंद महासागर पर है। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया चौकन्ना हो गए हैं और इन चीनी पनडुब्बियों को तबाह करने वाले अमेरिकी शिकारी P-8I पोसाइडन विमान को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही अमेरिका से बड़े पैमाने पर P-8 विमान खरीद रहे हैं। ये दोनों ही देश स्क्वाड के सदस्य हैं और चीन की दादागिरी से परेशान है। क्वाड देशों का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाए रखने हैं। यही नहीं, अमेरिका के इस शिकारी को जर्मनी, नॉर्वे और ब्रिटेन भी बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक खुफिया अधिकारी ने कहा कि विश्वास में कमी के कारण ये देश बड़े पैमाने पर एंट्री सबमरीन प्लेन को खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर खुद पर लगा दाग मिटाने के लिए दूसरों को बदनाम कर रहा है चीन। इन 3 देशों पर लगाया कोरोना वायरस फैलाने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चीन के सरकारी मीडिया ने कोरोना संक्रमण के लिए ब्राजील के बीफ, सऊदी अरब के झींगे और अमेरिका के मेन लॉबस्टर को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया है दोस्तों। ये जानकारी चीनी एजेंडा से जुड़े सैकड़ों अकाउंट का अध्ययन करने वाले एक शोधकर्ता ने दी है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, जो दूसरे देशों पर ये आरोप मढ़ रहे हैं और अपना बचाव करना चाह रहे हैं दोस्तों, ऐसे में जवाब जरूर दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।